नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईनेट टीवी इंडिया। पेश आज के मुख्य समाचार। इंदौर के गांधी हाल में रविवार को लोकमाता देवी अहिल्याबाई की 229वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि देवी अहिल्या माता ने अपने कुशल प्रबंध से 300 सालों तक की व्यवस्था की। माता अहिल्या के प्रशासन की जगह आज की प्रशासनिक व्यवस्था भी कमजोर दिखाई देती है। उन्होंने देश भर में मालवा के मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया। सीएम यादव ने कहा कि हम राज्य स्तर पर भी मां अहिल्या समिति बनाकर प्रदेश भर में उनके कामों को लोगों के सामने लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बैठक ली। बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि लोकसभा में भी हम जीत के मामले में देश में नंबर वन रहे हैं, इसलिए सदस्यता के मामले में भी हमें देश में नंबर वन रहना चाहिए। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक एक में एक एक पोलिंग बूथ पर कम से कम 700 सदस्य बनना चाहिए। सदस्यता अभियान में अव्वल रहने वाले पहले 3 वार्ड को पुरस्कृत किया जाएगा। अव्वल रहने वाले 3 वार्डों को 1 लाख का पुरस्कार और विकास के लिए 10 लाख रुपए का काम देंगे। जबलपुर से हैदराबाद के लिए उड़ी फ्लाइट की नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। दरअसल फ्लाइट के वॉशरूम में विस्फोट लिखा था, जिसके बाद फ्लाइट को नागपुर में उतारा गया। वहां विमान की जांच पड़ताल की गई, जिसमें कुछ नहीं मिला, जिसके बाद शाम को फ्लाइट हैदराबाद के लिए रवाना कर दी गई। मध्य प्रदेश में भोपाल रेल मंडल को जल्द ही 2 स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की सुविधा मिलने जा रही है। इसमें से एक ट्रेन पटना और दूसरी मुंबई के लिए चलेगी। इसका किराया राजधानी एक्सप्रेस के किराए के बराबर होगा। रविवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्लीपर वंदे भारत का फर्स्ट लुक जारी किया। वे बेंगलुरु में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की फैक्ट्री में ट्रेन का निरीक्षण करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को 800 से 1200 किलोमीटर दूरी की यात्रा के लिए तैयार किया गया है। दिल्ली कोचिंग हादसा मामले में राउ रेवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को 6 आरोपियों को 4 दिन की सीबीआई की हिरासत में भेजा है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच करने के लिए इनका हिरासत में रहना जरूरी है। चुनाव आयोग ने हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव की तारीख बदल दी है। अब वहां 5 अक्टूबर को वोटिंग और 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के साथ ही मतगणना होगी। पहले वोटिंग की तारीख 1 अक्टूबर और मतगणना की 4 अक्टूबर रखी गई थी। गुंडे बदमाशों एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध इंदौर पुलिस की कार्यवाही लगातार जारी है। पुलिस द्वारा कामिंग गश्त में गुंडे बदमाशों एवं अवैधानिक गतिविधियों में संलिप्त रहने वाले असामाजिक तत्वों सहित लगभग 869 बदमाशों को चेक करते हुए उनमें से 248 पर उचित वैधानिक कार्यवाही की गई। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ने वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2024 को लेकर 7 सदस्यों की टीम बनाई है। यह टीम मुस्लिम समुदाय से बातचीत करेगी और उनके सुझाव इकट्ठा करेगी। 31 अगस्त को बनाई गई टीम में उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के वक्फ बोर्ड्स के अध्यक्ष समेत भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के 2 राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य शामिल हैं। ये सदस्य अलग अलग राज्यों में जाकर मुस्लिम विद्वानों से चर्चा करेंगे, उनकी चिंताओं को समझेंगे और विधेयक पर सुझाव जुटाएंगे। साथ ही वे संशोधन की जरूरत और उसके फायदे बताएंगे। मध्य प्रदेश में बारिश का सिस्टम फिर से एक्टिव हो गया है। भोपाल इंदौर में दोपहर करीब 3 बजे तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई। विदिशा में दोपहर करीब 2 बजे के बाद पानी गिरने लगा। आज सीहोर, रायसेन और बैतूल में भी भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं प्रदेश के पश्चिमी हिस्से के 21 जिलों में तेज बारिश होने के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 2 दिन प्रदेश में स्ट्रांग सिस्टम बारिश कराएगा। कल दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभरात्रि।